हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बनाना शेक की रेसिपी, जिसको बनाना काफ़ी आसान है और काफ़ी हेल्दी रेसिपी है और बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसकी डिटेल आपको आगे वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम केले को छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, केला कितना हेल्दी फ्रूट है। इसमें ज़रूरी मात्रा में फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन सी होता है। तो ये केला हमें रोज़ एक खाना चाहिए। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये केला खाना काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसको खा के हमें भूख कम लगती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रूट्स खाने में बच्चे अक्सर ही आनाकानी करते हैं, तो उन्हें हम इस तरह से टेस्टी टेस्टी शेक्स बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए बनाना कट गया है। फ्रेंड्स, ये है कुछ काजू और बादाम, जिन्हें मैंने हल्के गर्म पानी में भिगो दिया था, और अब हम बादाम के छिलके उतार देंगे। काफ़ी आसानी से उतर जाते हैं इस तरीके से, जब हम गर्म पानी में भिगोते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी है। अब हमें लेना है आइस क्यूब, तो एक कटोरी में 10-12 आइस क्यूब हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे जार में डालेंगे। अब हम कटे हुए केले डालेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पके हुए केले ही लेने हैं, जो अच्छी तरह पके हुए केले हैं उसका शेक बनाइए। अब हम डालेंगे काजू बादाम, तो मैंने 8-10 काजू बादाम डाले हैं। फ्रेंड्स, ये है दालचीनी पाउडर, तो ये दालचीनी पाउडर मैंने घर में ही बनाया है, और इससे बनाना शेक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा औसम हो जाता है। आपको ज़रूर डालना चाहिए। आप घर में इजीली दालचीनी का पाउडर बना सकते हैं। तो मैंने 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर डाला है। ये है इलायची, इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। तो ये 6-7 इलायची का पाउडर है, तो मैं इसको 1/4 चम्मच डालूंगी। ये देखिए, आपको ज़्यादा नहीं डालना, 1/4 चम्मच काफ़ी है। उसके बाद हम डालेंगे पिसी हुई चीनी, तो ये मैं 3 चम्मच डालूंगी। आप चाहे तो, अगर आपको मीठा पसंद है, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, बट 3 चम्मच एकदम परफेक्ट है। अब हम डालेंगे 1 ग्लास ठंडा दूध। तो फ्रेंड्स, हमने सभी चीज़ें डाल दी हैं, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो चलिए ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, शेक बिल्कुल रेडी है। देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक कप में मैंने एक बनाना का पीस लगा दिया है काट कर, और थोड़े से हम आइस क्यूब डालेंगे इसमें, बर्फ़ के टुकड़े। तो मैंने 5-6 इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं। अब हम इसमें बनाना शेक पोर कर रहे हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बनाना शेक बना है, और देखने में भी काफ़ी यमी है। ये देखिए, बहुत अच्छा बनाना शेक बना है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप आज ही ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।